तो ऐसा थोड़ा है कि उल्टे सीधे कमेंट उनके आए और उनकी वजह से हम हक बोलना छोड़ दें। हक बोलना तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, तो उल्टे सीधे कमेंट आना ये मेरी मकबूलियत की अलामत है। मैं यही समझता हूँ कि मेरी मकबूलियत की अलामत है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मैं तीर मारना चाहता हूँ, तीर बिल्कुल अपनी ठीक जगह लग रहा है, ठीक जगह तीर लग रहा है जहाँ मैं मारना चाहता हूँ, तो शोरा को तकलीफ नहीं होती। देखिए बड़े बड़े शोरा ने मुझे दुआओं से नवाजा है, और मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, यूट्यूब पर कमेंट भी किया है शोरा ने कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, आपने बहुत अच्छा बोला, हक बोला, मुशायरों के खिलाफ नहीं बोला, जिस तरह मुशायरे करने चाहिए आपने उस तरह बताया कि इस तरह करना चाहिए। तो लेकिन जो ये कन्वीनर है मुशायरों के, हाँ ये जो जिम्मेदारी जो लेते हैं, तो इनके वजह मिर्ची लग गई। क्यों? इसलिए कि इनके मिर्ची इस वजह से लगी है कि इनका धंधा बंद हो जाएगा। हाँ, लोगों के समझ में आ जाए कि भैया मुशायरा इस तरह के ना कराएं, शोरा को इतना इतना पैसा दे देते हैं, इनको ना दिया जाए तो हमारे भी थोड़ा धंधे में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हमको बुजुर्गों ने भी, अभी जब मैंने दो वीडियो मुशायरों से मुतालिक बनाए हैं, हमें उलमा ने, बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने हमको दुआओं से नवाजा, और मेरे असातिज़ा ने फोन भी किया और कहा कि तुमने हक बोला, बहुत अच्छा बोला। कम से कम मैं समझता हूँ कि मेरा शागिर्द हक बोलने वाला तो है, मेरे असातिज़ा मेरे पास फोन किया, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात, इससे अच्छी और कौन हो सकती है भाई। तो मैं यही समझता हूँ कि मैं तीर जहाँ मारना चाहता था अपनी जगह बहुत बढ़िया लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी पर। मैं आपके साथ गुफरान बिन याकूब कासमी, धौराड़ा लखीमपुर। आज हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन हाफिज़ मोहम्मद अयाज़ बहरेची साहब, ये हमारी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये हर वीडियो में यही कहते थे कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बीच में सवाल ना करें, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सवाल कर देंगे तो सब वीडियो ख़राब हो जाए। मैंने कहा आप सवाल अपने लिख लीजिए और लिखने के बाद इकट्ठे ही सवाल कर लें। तो इन्होंने बहुत सारे सवाल इकट्ठा किए हैं और सब मुशायरों से मुतालिक हैं, क्योंकि इनको लगता मैंने मुशायरों की मुखालिफत कर दी इस वजह से। तो इनके कुछ सवाल हैं। जी हाँ, आप अपने सवाल पेश करें। मुशायरों से मुतालिक आप, मैंने आपके दो वीडियो बनाई हैं, उसमें मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए, लेकिन आपने कहा मुशायरों से मुतालिक, तो मुशायरों से मुतालिक ही होना चाहिए। जी जी, मुशायरों से मुतालिक। ठीक है, शुरू करें। मेरा पहला सवाल यह है कि आप मुशायरों की इतनी खिंचाई क्यों करते हैं? लगता है आप भी नाचने गाने वाले मुशायरों में शिरकत करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं मुशायरों की खिंचाई करता हूँ। हालाँकि मैं मुशायरों की खिंचाई वगैरह कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो हक बात है उसको मैं बोलता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि जिस तरह मुशायरे करना चाहिए उस तरह करें। इस दौर में शायरों ने, नाचने गाने वाले शायरों ने मुशायरों में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं। जैसे पहले ये होता था कि मुशायरे किस तरह होते थे, उर्दू अदब को फ़रोग दिया जाता था। जी हाँ, अदब और आदाब सीखने का मौका उसमें मिलता था। और लेकिन इस दौर के मुशायरे में क्या होता है, बस नाचने और गाने का तरीका और सलीका बस सीखने को मिलता है। उर्दू अदब का फ़रोग देना नहीं होता, बल्कि उर्दू अदब का जनाजा निकालते हैं शोरा, आजकल के शोरा, और मैं सबको कहता भी नहीं। हत्ता कि ये मुशायरा बाज शायर जलसों में जाते हैं तो वहाँ भी मुशायरों वाली हरकत। हाँ भाई, सुभान अल्लाह, कूद के कहिए, मचल के कहिए, तड़प के कहिए, तो ये आप बताइए कहाँ दुरुस्त हो। तो इस तरह इसलिए आपको लग रहा है कि मैं मुशायरों की खिंचाई कर रहा हूँ, हालाँकि मैं मुशायरों की खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, हक बोल रहा हूँ बस। जी आगे सवाल करें। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप सब शोरा को नाचने वाला कहते हैं। आप गलत कह रहे हैं, मैंने सब शोरा को नाचने गाने वाला कहा ही नहीं है। आपके ख्याल के और आपकी तरह के बहुत से लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जो बात मेरी समझ नहीं पाते हैं। यूट्यूब पर थंबनेल देख लिया, उस पर लिखा नाचने गाने वाले शोरा, और फेसबुक पर अपलोड किया, उस पर टाइटल देख लिया, टाइटल देख करके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो आपकी तरह के लोग समझ नहीं पाते हैं। हालाँकि उनको पहले वीडियो पूरा देखना चाहिए कि वीडियो में क्या है, उसके बाद में एतराज़ करना चाहिए, कमेंट वगैरह करना चाहिए। मैं सब शोरा को नाचने गाने वाला नहीं कहता। अब आप बहरेच में रहते हैं, ज़िला बहरेच के एक शायर बहुत बढ़िया हैं, मौलाना अमानतुल्लाह बहरेची साहब, ननपारा में रहते हैं। देखो मुशायरों में भी जाते हैं, जलसों में भी जाते हैं, कितनी सादगी के साथ पढ़ते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। तो जिस तरह नात पढ़ना चाहिए, नज़म पढ़ना चाहिए, मनकबत पढ़ना चाहिए, उस तरह वो पढ़ते हैं। तो मैं सब शोरा को कहाँ कहता हूँ, मैं तो बहुत सारे शोरा को सपोर्ट करता हूँ, यानी इस तरह के जो मौलाना अमानतुल्लाह साहब जैसे शायर हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और जो लोग सलीके के साथ पढ़ते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं सब शोरा को नहीं कहता हूँ। जी, और मेरा तीसरा सवाल है कि मुशायरे में आप भी तो निज़ामत करने जाते थे। जी ज़रूर जाता था, लेकिन निज़ामत करने में जाता था, लेकिन मेरी कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दो जिसमें मैं नाचता हूँ या गाता हूँ। मैं देखो निज़ामत के मुताबिक मैंने एक वीडियो अपनी बताई थी, बताया था मैंने उसमें, फिर बता दूं कि मैं बहुत सारे जलसों में निज़ामत के लिए गया हूँ, गया था, और मुशायरों में भी मैंने तीन मुशायरे ऐसे किए जिसमें एक मुशायरे में शायर के हिस्से से गया हूँ और दो में निज़ामत के लिए गया हूँ।
अब वहाँ निजामत के लिए मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ नाचने लगे, गाने लगे, भैया ये हमारे बस में है ही नहीं, हमने निजामत छोड़ दिया, बस हमने बस निजामत छोड़ ही दिया कि भाई जलसों में वही शायर पहुँचते वो भी नाचने लगते हैं, मुशायरों में जाओ तो वहाँ तो नाचते ही हैं, तो हमने निजामत करना ही छोड़ दिया है बस। क्या आपने मुकम्मल तौर पर निजामत छोड़ दी है? अगर जलसों में बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे कि या नहीं? देखिए ऐसा है कि मैं मुशायरों में जाता था, मुशायरों की मैंने मुकम्मल तौर पर निजामत छोड़ दी है बस। और रही बात जलसों की, तो जलसों में अगर नाच गाना नहीं होता है तो मैं, अगर सादगी के साथ होता है जलसा तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं, और जाता भी जाऊँगा इंशाल्लाह। आपने जो मुशायरों से मुतालिक वीडियो बनाई है उस पर कुछ लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए हैं। जी बिल्कुल कमेंट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी मकबूलियत की अलामत है। जिन लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए हैं, मैं यही समझता हूँ कि मेरी मकबूलियत की अलामत है, और ये भी समझता हूँ कि जहाँ मैं तीर मारना चाहता था बिल्कुल सीधी जगह पर तीर लग रहा है, इधर उधर नहीं, सीधी जगह पर लग रहा है तीर, तो लोग तो उल्टे सीधे, और उल्टे सीधे कमेंट करने वाले शोरा ग्राम नहीं है, मुझको बड़े बड़े शोरा ने, मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ लेकिन खैर नहीं दिखाऊंगा, मुझको बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा ने कहा कि तुमने बिल्कुल हक बोला, सही बोला। जी हाँ, फेसबुक पर मैंने कमेंट किया है, तीन बड़े शोरा जो हिंदुस्तान में मशहूर है उन्होंने कमेंट किया, मुझको बुजुर्गों ने दुआओं से नवाजा कि तुमने हक बोला, सही बोला, तो मेरी तो हिम्मत और बढ़ रही है ना हक बोलने की, तो ऐसा थोड़ा है कि उल्टे सीधे कमेंट उनके आए और उनकी वजह से हम हक बोलना छोड़ दें, हक बोलना तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है भाई, हाँ अगला सवाल करें आप। मैंने आपके फेसबुक अकाउंट पर देखा है कि बहुत से बड़े बड़े शोरा ने आपकी तारीफ की है, जैसे डॉक्टर शमीम साहब ने, डॉक्टर शमीम लामपुरी साहब ने की है। हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिए ऐसा है, जिन शोरा की ये नियत है कि उर्दू अदब की खिदमत की जाए, उर्दू अदब को फ़रोग दिया जाए, तो उन्होंने मेरी बात की तारीफ की है। जी हाँ, और जो लोग नाचने या गाने वाले हैं जिनका शेर व शायरी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गाने ही से मतलब है, तो उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट में जो कुछ भी कहा है सब ठीक है, लेकिन मुझको शोरा ने, मैंने भी बताया ना पिछला कि हमको शोरा ने, बड़े बड़े शोरा ने दुआओं से नवाजा है और हमारी हौसला अफजाई भी की है, लेकिन जिनका मकसद ये होता है कि आवाम को लूटा जाए, आवाम को लूटना मकसद होता है, तो उनको मेरी बात बुरी लगी। चलो खैर, मुशायरों से मुतालिक जो कुछ मैंने बोला, मेरे बुज़ुर्गों ने, अकाबिरों ने, असातिज़ा ने, वे दुआओं से नवाजा है, अल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा को, तमाम बुज़ुर्गों को, अकाबिरों को सलामत रखे जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। नाज़रीन इकराम, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत लोगों ने फरमाइश भी की थी कि भाई हम तीसरे पार्ट के मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका तीसरा पार्ट आए, तो मैंने सोचा कि साहब के कुछ सवालात भी थे वही तीसरे पार्ट में कर दिए जाएँ। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब काज़मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिर्ची लगाने के लिए शोरा के हमारा ये पैगाम तमाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और इतना पहुँचाएँ जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, हाँ जहाँ मैं तीर मारना चाहता हूँ वहाँ तक आप ज़रूर मेरा साथ दीजिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।